जी हाँ, हमारी फिल्म जो है जानू मेरी जान बन के बिल्कुल तैयार है और रिलीज के की तैयारी है। लेकिन आज हम जिस मौके पे यहाँ उपस्थित हुए हैं वो मौका है आपका, हमारे ट्रेलर का लॉन्चिंग है आज। आज जी म्यूज़िक के माध्यम से आप हमारा ट्रीजर और ट्रेलर आज लॉन्च किया जाएगा। किसी खास मौके पे हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो हमारी जो फिल्म है जानू मेरी जान, थोड़ी सी अभी जो फिल्में बन रही हैं, जो लगातार बनते आ रही हैं, उससे मेरी फिल्म जो है थोड़ी काफ़ी डिफरेंट है। इस फिल्म में एक बहुत ही अलग तरह की प्रेम कहानी दिखाई गई है। अक्सर आप फिल्मों में देखते होंगे कि हीरो नायक नायिका प्रेम करते हैं और एक क्लाइमेक्स में जाके उनका प्यार सफल हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट है और बहुत सारे रोचक तथ्य इसमें आएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारा जो फिल्म है वो मतलब एक अलग मोड़ लेता है इस पर जानू मेरी जान। तो आप एक बेहतरीन तरीके की फिल्म है। इसका संगीत किया है हमारे छोटे बाबा म्यूजिक डायरेक्टर, जो हैं काफ़ी लोकप्रिय हैं। छोटे बाबा द्वारा इसमें संगीत जो दिया गया है वो भी काफ़ी रोचक है। और बस ट्रेलर तो आ ही रहा है, आप देखेंगे तो ट्रेलर में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। और यही है, और हमारे जो हीरो हैं हमारे फिल्म के, हर्षवर्धन निराला जी, इनकी ये पहली फिल्म है। और आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी ये एहसास नहीं होगा कि ये पहली बार कैमरा के सामने अभिनय कर रहे हैं। पहली बार तो नमस्कार आप लोगों को। हमारी ये पिक्चर जानू मेरी जान, जो बेलू सर ने बताया, मैं तो इस काबिल ही नहीं था कि मतलब मुझे तो लग नहीं रहा था कि मैं इस पिक्चर को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हमारे बड़े भैया बेलू सर ने मुझे बोला कि क्यों नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इन्होंने मुझे बहुत समझा बुझा करके इस फिल्म में मतलब लॉन्च किया इन्होंने, और अच्छे तरीके से मुझे जिस तरह एक बच्चे को मतलब उंगली पकड़ना सिखाते हैं मतलब चलने के लिए, उसी तरह इन्होंने मुझे चलने के लिए सिखाया और मैं अच्छे से कर पाया। और ज़्यादा मैं क्या बोलूं, बस आप लोग का आशीर्वाद बना रहे, मुझे आशीर्वाद दीजिए अपना। नमस्कार। जी हाँ, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि नए कलाकारों के साथ काम करना जहाँ कठिन है, वहाँ एक तरीके से बोला जाए आसान भी है। क्योंकि जो नया कलाकार होता है वो एक कच्चे मिट्टी की तरह होता है, तो आप कच्चा मिट्टी है या यूँ कहें कि पानी की तरह होता है, तो पानी को जैसे बर्तन में डालेंगे वो वैसी आकृति ले लेता है। कच्चे मिट्टी को आप जिस आकार में मतलब गढ़ना चाहें वैसी आकृति आप दे सकते हैं। ठीक उसी तरीके से नया कलाकार जो फ्रेश कलाकार है उसमें वो गुण होते हैं कि उसको हम जैसा आकार देना चाहे, जैसी आकृति देना चाहे वैसा हम दे सकते हैं। वैसा ही हमारे हर्षवर्धन निराला जी के साथ काम करने का अनुभव रहा। ये बिल्कुल भी अनभिज्ञ थे अभिनय से, कैमरा को कैसे लुक देते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे चला जाता है, तो ये मेरे लिए एकदम कच्चे मिट्टी की तरह थे। तो मैं अपने मन मर्जी के हिसाब से इनको आकृति देना चाहता था और वैसा देने में मैं काफ़ी हद तक सफल रहा, क्योंकि इन्होंने अपना जितना एफर्ट था उन्होंने लगाया। मैं जैसा कहता था वैसे ये संवाद बोलते थे, मैं जिधर बोलता था नहीं आपको इस तरीके से देखना है वैसा देखते थे, आपको ये मतलब मोमेंट करना है, आपका ये बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए या प्रॉपर्टीज़ को ऐसे इस्तेमाल करना है, तो इन सब चीज़ों को इन्होंने बखूबी निभाया और मेरे लिए ये क्या एकदम ये आसान हो गया। इन्होंने जो एफर्ट लगाया वही मेरे लिए सबसे विशेष रहा और मुझे अपने नए कलाकार हर्षवर्धन जी के साथ काम करके बहुत ही सुखद अनुभव रहा। बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और मुझे इनके साथ काम कर करके बहुत अच्छा लगा, बहुत से सीखने को मिला और मुझे अच्छे तरीके से इन्होंने मतलब बहुत सपोर्ट किया है और हर जितने भी हमारे पिक्चर के टीम थे सभी का सपोर्ट रहा है मेरे पे और सभी बेखूबी से साथ निभाए हैं, सब मन लगा के काम किए हैं और
सर का मतलब क्या बोलूं, शब्द ही नहीं है मतलब। ये हमारा ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन बहुत अच्छा एक तालमेल रहा। जब मैं ये कैमरे के सामने होते थे, मैं कैमरे के पीछे रहता था, तो वहाँ तो मैं डायरेक्टर होता था और ये एक्टर होते थे। लेकिन हम लोग जब कैमरे के पीछे रहते थे तो ठीक एक बड़े भाई और छोटे भाई की तरह भूमिका निभाते थे, तो हमारी केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन भी बहुत अच्छी रही, जिसका आप रिजल्ट हमारे फिल्म जानू मेरी जान में देख सकेंगे। हाँ हाँ पढ़ी है ना, एक सीन था तो मैं बार बार कोशिश कर रहा था उस चीज़ को करने के लिए, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था। तो एक गुरु के नाते इन्होंने मुझे डांटा, फटकारा, मार भी मैंने खाई है। तो जब तक एक स्टूडेंट अगर अपने टीचर से मार नहीं खाएंगे तो वो चीज़ सीख नहीं पाएंगे। तो जब तक अगर ये मुझे डांटते नहीं तो शायद वो मैं नहीं कर पाता, अगर मुझे वो रपाट नहीं लगती तो मैं वो चीज़ नहीं कर पाया। लेकिन इन्होंने मुझे डांटा, फटकारा, तो जा करके मैं वो चीज़ कर पाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली वो मारना नहीं होता है, एक्चुअली डांटना भी क्या कहते हैं, वो होता है माहौल वैसा होता है। एक आर्टिस्ट जब समझ नहीं पाता है, जैसे स्टूडेंट होते हैं तो कभी कभी एक्टरों से काम निकालने के लिए थोड़ा सा रूड होना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा उनके अंदर का डर कह लीजिए या जो कह लीजिए, तो वो जो हमें चीज़ चाहिए होता वो निकल के आ जाता है। तो जब एक डायरेक्टर को उसकी चीज़ मिल जाती है तो वो खुश होता है। और रही बात कई जगह बहुत प्यार से बहुत मोहब्बत से काम लिया जाता है, तो वो हमने हर्षवर्धन निराला जी से लिया। मैंने एक ही टिप्स दिया था इनको कि आप कोशिश ये कीजिएगा कि आपको जो डायलॉग्स दिए जाएँ उसको आप बखूबी याद कर लीजिएगा। तो ये इस मामले में बिल्कुल खड़े थे, ये जो भी हमारे फिल्म का डायलॉग्स जो सीन होता था वो ये याद कर लेते थे, तो मुझे ये समझाने में सुविधा होती थी कि ये डायलॉग को किस तरीके से बोलना है। और कई बार हम ऐसे सीन भी करते थे जहाँ डायलॉग्स नहीं होते थे और हम लोग तुरंत इमीडिएट थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किए, तो वो मैं उनको वहीं बता देता था और उसको ये बोलने में सफल हो जाते थे। इस तरीके से तो मैं ये कहूँगा कि इन्होंने जिस तरीके का अभिनय किया है, जो एक नेचुरल परफॉर्मेंस, आपको लगेगा नहीं कि ये अभिनय कर रहे हैं। जो आजकल हमारे बॉलीवुड सिनेमाज में भी आप देखेंगे कि हमारे जो एक्टर्स हैं वो अभी एकदम नेचुरल और रियल परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब नेचुरल एक्टिंग की तरफ जो सबका रुझान बढ़ा है और दर्शक भी रियल और नेचुरल एक्टिंग करना पसंद करते हैं, एक्टरों को देखना नेचुरल एक्टिंग में, तो वो चीज़ मुझे मिला इनसे। इन्होंने एकदम रियल एकदम नेचुरल परफॉर्म किया है और आपको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सचमुच एक उम्दा कलाकार इस इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहा है जानू मेरी जान के माध्यम से, हमारे हर्षवर्धन निराला जी।